Hello students, today we will take Should Wizard with Mommy. As हम Wizard with Mommy पढ़ेंगे, this is a chapter from Wizard. ये Wizard का chapter है. First of all, I'll introduce its characters. सबसे पहले मैं आपको इसके characters बताऊंगी. There are mainly four characters in this story. Mainly four characters हैं आपके in this story, इस कहानी में. क्या है? कि Jack. Jack is the father of Joe. जैक क्या है? जो के फादर हैं. जो इज फोर इयर्स ओल्ड गर्ल. जो क्या है? चार इयर्स की बेटी लड़की है जो कि जैक की बेटी है. एंड जोज मदर. जो की माँ है. एंड जोज ब्रदर. जो का भाई है हु इज कॉल्ड एज बॉबी, जिसको कि बॉबी के नाम से पुकारा जाता है. तो देयर आर मेनली फोर कैरेक्टर्स, जैक, जो, जोज मदर एंड जोज ब्रदर. जैक, जो, जो की माँ और जो का भाई. और क्या होता है कि जैक इज यूज्ड टू टेल अ स्टोरी टू जो. जैक जो को एक कहानी बताते हैं, जिसमें कि मेन कैरेक्टर्स आपके फोर हैं. जैक के स्टोरी में फोर मेन कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट रोजर, सेकंड आउल, थर्ड विजार्ड एंड फोर्थ रोजर्स मदर. जैक जो भी स्टोरी जो को सुनाते हैं, उनकी मेनली स्टोरी में यही कैरेक्टर्स होते हैं. उनकी हर स्टोरी रोजर के नेम से शुरू होती है, वेदर इट इज रोजर स्कंक, रोजर चिपमंक, रोजर स्टेलर आदि. तो इसमें रोजर होता है, एक आउल होता है, एक विजार्ड होता है और रोजर्स मदर होती है. तो फर्स्ट आई विल टेल यू द समरी ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी इंट्रोड्यूस करूंगी कि इस चैप्टर में क्या होता है कि जैक इज टेलिंग अ स्टोरी टू जो ऑन संडे. संडे को का दिन होता है, मोस्टली वो संडे को ही जो को स्टोरी सुनाते थे. एंड ही यूज्ड टू टेल हर स्टोरी टू स्लीप ऑन सैटरडे इवनिंग. सैटरडे सॉरी, संडे नहीं, सैटरडे. तो क्या होता है कि द जैक चैप्टर के स्टार्ट में जो स्टोरी आपकी बिगिंस होती है, जो स्टोरी स्टार्ट होती है, व्हेन जैक इज टेलिंग स्टोरी टू हिज फोर इयर्स ऑल डॉटर जो. चार वर्ष की बेटी जो को एक स्टोरी सुनाते हैं, उसी से यह चैप्टर स्टार्ट होता है. टू पुट हर टू स्लीप ऑन सैटरडेज इवनिंग. वो एवरी सैटरडे उनको स्टोरी सुनाते हैं जो को, उसको सुलाने के लिए. तो इस सैटरडे भी जो को वो कहानी सुना रहे हैं. ऑल स्टोरीज मेड बाय जो, जैक हिमसेल्फ. जो सारी कहानी जैक जो को सुनाते हैं वो उनके द्वारा ही बनाई हुई होती है. एंड दिस स्टार्टेड टू ईयर्स एगो. नाउ जो इज फोर ईयर्स ऑल्ड. जो अब चार वर्ष की हो चुकी है. एंड ही स्टार्टेड टू टेल हर स्टोरीज व्हेन जो वाज टू ईयर्स ओल्ड. जब जो दो साल की थी तब से वो उसको कहानी सुना रहे थे, और अब जो फोर ईयर्स की हो गई है और तब से लेकर अब तक वो उनको स्टोरीज सुना रहे हैं. देयर इज अ चेंजेस इन जो जो व्यूज. नाउ अब जो की व्यूज में कुछ चेंजेस हो गए हैं. चेंजेस क्या है कि जो जब छोटी थी, व्हेन शी वाज टू ईयर्स ओल्ड, शी यूज्ड टू हियर द स्टोरी एंड स्लीप. वो स्टोरी सुनती थी और सुनते सुनते सो जाती थी. बट नाउ शी हैज चेंज. अब वो चेंज हो चुकी है और शी हैज टू स्टार्ट विद द आर्ग्यूमेंट. उसने अब स्टोरीज में आर्ग्यूमेंट सुनना शुरू कर दिया है. शी वॉन्टेड दैट द एंड शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू हिम. वो चाहती है कि जो एंड हो स्टोरी का, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाए. तो ऐसी ही एक स्टोरी है. तो दिस स्टार्टेड टू इयर्स अगो. एवरी स्टोरी इज अ वेरिएशन ऑफ द स्मॉल टेल एंड इट स्टार्ट विद द सेम रोजर एनिमल. वो जो कहानी सुनाते हैं उसमें जो जैक जो को जो भी स्टोरी सुनाते हैं वो लगभग सेम होती है. थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है. एंड इट स्टार्ट विद द सेम रोजर. और हर कहानी उनकी रोजर से ही स्टार्ट होती है. अब क्या होता है कि रोजर would go to the wise owl to solve his problem. In each and every story there is a problem to Roger. Roger ko ek problem hoti hai. To solve this problem he used to go to wise owl. Wo wise owl ke paas is problem ke samadhan ke liye jate hain. The owl will direct him to go to wizard. Aur owl usko wizard ke paas jane ke liye kehta hai. And who would do magic and solve his problem. विजार्ड कोई मैजिक करता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. एंड डिमांड मनी इन रिटर्न. और जो विजार्ड होता है वो रिटर्न में उससे मनी मांगता है. रोजर वुड बी शॉर्ट ऑफ मनी. रोजर के पास उतना पैसा नहीं होता. एंड वुड गो टू अ वेल एज डायरेक्टेड बाय द विजार्ड. और विजार्ड उसको एक वेल पर जाने के लिए कहता है जहाँ पर उसको मनी मिलेगी. और रोजर उस वेल पर जाता है, वहां से पैसे लेकर के आता है. एंड विल द विजार्ड
got the money, wizard उस पैसे को प्राप्त करता था एंड वो एंड ही वुड बी हैप्पी टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और उसके बाद वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में के लिए एग्री हो जाता था एंड वुड पे प्ले विद हिज फ्रेंड्स हैप्पीली, और फिर इसके बाद जब रोजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली खेला करता था। हिज फादर वुड रिटर्न इन द ट्रेन एंड द फैमिली वुड हैव अ डिलीशियस डिनर, उसके फादर ट्रेन से वापस आ जाते थे और फिर पूरी की पूरी फैमिली मेंबर्स डिलीशियस डिनर स्वादिष्ट भोजन किया। तो ऑन दिस सैटरडे जैक यूज टू टेल जो स्टोरी, सैटरडे को भी जो को जैक एक स्टोरी सुनाते हैं, दैट डे जो वॉन्ट्स टू बी अ रोजर स्टंक्स स्टोरी हु स्मेल्स वेरी बैड, उस दिन भी जैक जो है रोजर को जो को रोजर स्टंक की स्टोरी सुनाते हैं जिसकी की स्मेल बहुत गंदी होती है एंड दैट इज वाई नो अदर एनिमल्स वॉन्ट्स टू प्ले विद हिम, उसकी स्मेल की वजह से रोजर की स्मेल की वजह से दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, दे विल टीज हिम सेइंग स्टिंकी स्कंक, वो उसको चिढ़ाते हैं यह कहकर परेशान करते हैं स्टिंकी स्कंक, चिपचिपा स्कंक, बदबूदार स्कंक, रोजर वुड क्राई, इससे रोजर रोने लगता है। At this point, Joe starts feeling connected with the character and she also starts crying. अब जो को ऐसा लगता है कि रोजर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जब वो रोजर को रोते हुए देखती है तो वो खुद भी रोना शुरू कर देती है। Joe insists on sending Roger Skunk to the owl. अब जो रोजर स्कंक को अपने फादर से कहती है कि उसको प्रॉब्लम है तो उसको आउल के पास भेजो, तो इसे यह सुनकर जो जैक होते हैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, वो महसूस करते हैं कि जब जो छोटी थी 2 वर्ष की थी तो जैसे मैं इसको कहानी सुनाता था कहानी सुनते सुनते वो सो जाती थी, लेकिन अब वो उसमें क्या करने लगी है, उसने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस चाहने लगी है और आगे आगे उसको बताने लगी है। तो जैसे कि उसने कह दिया कि अगर रोजर को कोई प्रॉब्लम है तो उसको आउल के पास भेजो ना, आउल उसको किसके पास भेजेगा, विजार्ड के पास भेजेगा और रोजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रोजर विल बी हैप्पी, रोजर हैप्पी हो जाएगा। तो दिस रिएक्शन ऑफ जो surprises father and he realizes the growing changes in the child. वो अपने बच्चे में growing changes को accept करते हैं कि अब बच्चे में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। Finally the owl directs Roger stung to the wizard और अंत में फिर वो जब जैक रोजर को आउल के पास भेजते हैं और आउल उस रोजर को कहाँ पर भेजता है, wizard के पास भेजता है and he gets the smell of roses. और उसकी इस स्टोरी में रोजर स्कंक की स्मेल रोजर स्मेल हो जाती है एंड स्कंक इज टू हैप्पी, अब स्कंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड रन इनटू द वुड, और वो जंगल में आ जाता है और द एनिमल्स गैदर अराउंड स्कंक एंड दे ऑल प्ले गेम्स, सभी एनिमल्स उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। And when Skunk reaches home, he was very happy, but his mother is annoyed. Roger Skunk खेलने के बाद अपने घर पहुंचता है, वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। When she hears this story from her son Roger, जब उन्हें यह कहानी अपने बेटे रोजर से पता चलती है, she doesn't like that smell. वो उस स्मेल को पसंद नहीं करती। She takes him back to the wizard. वो वापस उस रोजर को विजार्ड उसी विजार्ड के पास ले आती है and hits him on the head. वो उसके साथ सिर पर हिट करती हैं एंड ऑर्डर सिम टू रिस्टोर स्कंक अर्लियर स्मेल, और वो रोजर की उसी खराब स्मेल को वापस लाने के लिए कहती हैं। जो डज नॉट लाइक दिस, लेकिन जो को यह बात पसंद नहीं आती, शी इज एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ रोजर्स मदर, वो रोजर की माँ के बिहेवियर से बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है। शी वांट्स दैट द विजार्ड टू हिट मम्मी हेड, वो चाहती है कि विजार्ड मम्मी के हेड पर हिट करे और रोजर, लेकिन उसकी माँ को उसको हिट नहीं करना चाहिए था, तो हिट मम्मी रोजर हैड, बट फादर डिसएग्रीज, लेकिन फादर इस बात से डिसएग्री होते हैं एंड डिफेंड स्कंक्स मदर सेइंग मदर और ऑलवेज राइट, और वो रोजर की मदर को यह कहकर उनकी रक्षा करते हैं कि मदर हमेशा राइट होती हैं, बड़े जो होते हैं वो हमेशा राइट होते हैं और बच्चों के व्यूज इतने सही नहीं होते, तो माँ ने जो किया वो हम अच्छा किया, बट जो इज डज नॉट एग्री इट, लेकिन जो इस बात से एग्री नहीं होती, डज नॉट एक्सेप्ट इट, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती एंड सी बिकम्स एंग्री, वो एंग्री हो जाती है। जो आर्ग्यूज विद हर फादर दैट बट फादर एक्सर्ट्स हिज अथॉरिटी, जो अपने फादर से आर्ग्यू करती है लेकिन उसके फादर अपने अधिकार को बना के रखना चाहते हैं एज द स्टोरी टेलर एंड डज नॉट चेंज इट, और वो उस पर अपनी स्टोरी में चेंज नहीं करते। सो फाइनली रोजर स्कंक कम्स बैक होम with his mummy and gradually other animals also get used to his smell and start
playing with him. Ant mein finally, Roger, after changing his smell back, after taking his smell back from Wizard, Wizard से वापिस अपनी स्मेल को वापिस लेकर रोजर अपनी माँ के साथ घर आता है और धीरे धीरे अदर एनिमल्स उसके हैबिट उस स्मेल के हैबिचुअल हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट टू प्ले विद हिम और वो उसके साथ खेलने के लिए एग्री हो जाते हैं, वो उसके साथ खेलना शुरू कर जाते हैं। बच्चों आपने सुना होगा इस स्टोरी को, डू यू लाइक इट, डू यू एग्री विद द डिसीजन ऑफ द फादर, क्या आप फादर के डिसीजन से एग्री हो या डू यू एग्री विद जो डिसीजन, क्या आप जो के डिसीजन से एग्री है या फादर के डिसीजन से एग्री है, फादर ने जो कुछ एंड किया स्टोरी का आप उसको उचित मानते हैं या जो के डिसीजन को सही ठहराते हैं, बताइए। मैम फादर के, फादर के डिसीजन को भाई, डू यू वांट जस्ट, हाँ यस Yes, क्योंकि मैम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। हाँ बेटा, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और माँ ने क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया, रोजी स्मेल को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया माँ ने और उसकी वापस गंदी स्मेल को वापस लेकर के आई, क्यों नहीं किया माँ ने ऐसा? देखिए बेटा, मदर वॉन्ट्स दैट वी शुड नॉट लीव अवर रियलिटी, माँ क्या चाहते थे कि हमें अपनी रियलिटी को नहीं खत्म करना चाहिए। यस मैम, कि जैसा उसका बच्चा है वो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहती थी। हाँ बेटा, आपके जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर कोई माँ, कोई एक लेडी के एक अच्छा बहुत सुंदर बेटा है और दूसरी लेडी के बहुत गंदा था, ब्लैक उसका कलर भी फेयर नहीं है ऐसा लड़का है, तो क्या वो जिसका लड़का गंदा है, ब्लैक है, उसका कलर फेयर नहीं है, सुंदर देखने में नहीं लगता, क्या वो अपने बच्चे को एक फेयर बच्चे से चेंज कर लेगी? नो मैम, नो मैम, ना हमें तो अपनी ही चीज अच्छी लगेगी, हम क्यों चेंज करेंगे। तो वो रोजर जैसा उसका अपनी माँ का बेटा था, माँ उसको चाहती थी कि वो भी उस रियलिटी को एक्सेप्ट करे, उसी रियलिटी में जाए, आर्टिफिशियलिटी में ना जाए। वो अगर रोजर स्मेल लेकर आ रहा है तो ये क्या हुआ, उससे उसकी रियलिटी खत्म हो जाएगी। हम जैसे हैं हमें ऐसे नहीं अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, वी शुड हैप्पी, हमें खुश रहना चाहिए बेटा, हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए एफर्ट करना चाहिए, लेकिन प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए वी शुड नॉट फॉलो द रॉन्ग पाथ, हमें गलत रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। इज इट राइट, डू यू एग्री? यस मैम, यस मैम। चलिए बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन द चैप्टर शुड डिजायर हिट मॉम। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडेज नैप, like 2 days, Jack told his daughter Jo a story out of his hand. It was the day of Saturday. Yeah, Saturday ka din tha. And Jo, Jack, Jo, who is Jo's father, Jack Jo ki father se, aur Jo unki beti thi, used to tell her a story. Woh unko ek kahani sunate hain from his imagination, from his head, it means from his imagination. Apni kalpana se woh usko kahani sunate hain. This custom began when she was 2. He started to tell her stories when she was 2 years old. जब वो 2 वर्ष की थी तब से उन्होंने उसको कहानी सुनाना शुरू किया था। Was itself now nearly 2 years old. जो कि अब उनकी कहानी को सुनाते सुनाते अब 2 वर्ष बीत चुके हैं। जो is now 4 years old. अब जो कितने साल की हो गई है, 4 वर्ष की हो गई है। And his head felt empty. और अब उनका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कहानी सुनाते सुनाते क्या हो गया है, खाली हो गया है। बेटा कितनी स्टोरी हम अपने इमेजिनेशन से बना सकते हैं, कितनी स्टोरीज हमारे पास होती हैं, फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं कहानी को रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं अर्लियर स्टोरी में और न्यू स्टोरी उससे बना लेते हैं। तो ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल, जो उनकी एक नई कहानी होती थी बेसिक टेल पुराने वाली कहानी से स्लाइट वेरिएशन होती थी, थोड़ा सा उसमें चेंज करके वो सुनाते थे। A small creature usually named Roger, Roger Fish, Roger Square, Roger Chipmunk. वो उसको उनकी हर कहानी में एक छोटा सा क्रिएचर होता था, एक छोटा सा प्राणी होता था जिसका यूजुअली नेम क्या होता था, रोजर होता था, चाहे वो रोजर फिश हो, चाहे रोजर स्केलर हो और रोजर चिपमंक हो। एट सम प्रॉब्लम, उसकी हर कहानी में रोजर को कोई समस्या होती थी एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउट, और वो उस प्रॉब्लम को लेकर किसके पास जाता था, ही वेंट टू वाइज ओल्ड आउट,
वो एक बुद्धिमान ओल्ड आउल के पास जाता था. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. आउल सेंड हिम टू विजार्ड. आउल उसको किसके पास भेजता था? विजार्ड के पास भेजता था. एंड द विजार्ड परफॉर्म अ मैजिक स्पेल. और विजार्ड क्या करता था? एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करता था, एक मैजिक मंत्र बोलता था. दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. और इससे उसकी क्या हो जाती थी? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, प्रॉब्लम दूर हो जाती थी. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएटर हैड. और विजार्ड इस काम को करने के लिए जितनी पेनीज, जितने पैसे उस समय रोजर के पास होते थे उससे कहीं ज्यादा पेनीज मांगता था. बट इन द सेम वे डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. जब वो देखता था कि रोजर के पास इतने पैसे नहीं होते थे तो वो उसको जगह पर भेजता था जहां पर कि उसको एक्स्ट्रा मनी मिल जाती थी. देन रोजर वाज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. रोजर वहां पर जाता था, वो वहां से पैसे लाकर लेके आता था और वो दूसरे एनिमल्स के साथ बहुत ज्यादा खुश होकर खेला करता था. एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन व्हिसल एंड ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन. अब रोजर एनिमल्स के साथ खेलने के पश्चात ही यूज टू गो टू हिज होम. वो अपने घर जाता था, टू हिज मदर अपने माँ के पास जाता था. कब जाता था? जब वो ट्रेन की विसल की आवाज सुनता था. और उस ट्रेन से कौन आते थे? रोजर फादर यूज टू कम फ्रॉम बोस्टन. रोजर के फादर बोस्टन से वापिस उस ट्रेन से आते थे. तब रोजर उस ट्रेन की हॉर्न को सुनकर अपनी माँ के पास जाता था. जैक डिस्क्राइब्स देयर सफर. और फिर जैक उनके भोजन के बारे में बताता है कि फिर वो जाकर अपने घर पर जाकर अपनी माँ के साथ भोजन करता था, फैमिली मेंबर्स के साथ भोजन करता था. एंड द स्टोरी वॉज ओवर. और इसके साथ ही क्या होता था? स्टोरी पूरी हो जाती थी. वर्किंग हिज डे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे. इस तरह से कहानी सुनाते सुनाते सैटरडे को कहानी सुनाना जैक के लिए बहुत ज्यादा फैटिगिंग हो गया, टायर्ड कर देने वाला हो गया, थकाने वाला हो गया. बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप एनीमोर. क्योंकि जो पहले के समान अब झपकियों में तुरंत नहीं सो जाती थी, नहीं सो रही थी, वो कहानी को सुनकर नहीं सो पा रही थी. एंड नोइंग दिस नीड द राइट सीम फर्टाइल. और उससे ऐसे लगता था कि उसका जो कस्टम है कहानी सुनाने की वो व्यर्थ हो गई है, यानी उसका परिश्रम व्यर्थ हुआ, उसने उसको कहानी सुनाई और जो तो सो भी नहीं रही है. द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर. जो छोटी लड़की थी अब ज्यादा छोटी नहीं थी. द बम्स हर फेट मेड अंडर द कवर्स वर हाफवे डाउन द बेड. अब वो एंड देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप. एंड व्हेन शी वाज सिक हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ. एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो टोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ब्राउन शेड्स. अब बेटा वो बड़ी थी, बड़ी हो गई थी. अब वो आधे बेड पर आती थी और अपना सिर पिलो पर रखकर सोती थी और सनलाइट भी उसके रूम में आती थी. ये सब इसी में ऐसी ही. इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ टू. अब वो बड़ी हो चुकी थी तो वो एक छोटे 2 साल के बच्चे के समान आसानी से नहीं सोती थी. हर ब्रदर बॉबी वॉज टू. उसका जो भाई था बॉबी ही वॉज ऑल्सो 2 ईयर्स ओल्ड. वो 2 वर्ष का था. And already asleep with his bottle. वो अपनी बॉटल लेकर सो चुका था. जैक आस्क्ड हू शेयर द स्टोरी दे अबाउट टुडे. अब जैक उसको कहानी सुनाते हुए पूछते हैं कि आज स्टोरी हम किसके बारे में सुनेंगे, आज जो किसके बारे में स्टोरी सुनेगी. अब जो रोजर जो स्टेज हर आईज एंड शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. अब जो अपनी आंखें बीच कर बंद कर कर कहती थी कि आज भी हम कहानी किसके बारे में सुनेंगे, रोजर के बारे में सुनेंगे. और वो यह कहकर यह सोचकर हंसती थी कि जो वो सोच रही है बिल्कुल सही है. हर आईज ओपन. अब उसकी वह अपनी आंखें खोलती है. हर मदर सी हैड फैमिली. उसकी आईज कैसी थी? अपनी माँ की आईज के समान थी. स्कंक सी हैड फैमिली. और रोजर के बाद वो कहता कहती है स्कंक, यानी रोजर स्कंक की कहानी हम सुनेंगे. अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल. वो कहती है कि एक नया एनिमल है, इसने शायद ही अपने नर्सरी स्कूल में इसके बारे में सुना होगा. Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब अपनी स्टोरी का एक फ्रेश हीरो देखकर जो जैक था बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से, बहुत ज्यादा उत्साह से भर गया. ऑल राइट ही सेड, उसने कहा. वो क्या कहता है कि जैक के बारे में, जो सॉरी स्कंक के बारे में जैक ने अपनी नर्सरी बुक्स में सुना था, जब वो नर्सरी क्लास में थे सुना था, तो अपनी स्टोरी के न्यू हीरो के बारे में सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा. वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं. ऑल राइट ही सेड.
ठीक है, उन्होंने कहा, यानी अब वो उसको कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, वो कहानी ऐसे ही सुनाते हैं, जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक बार की बात है एक घने काले जंगल में, देयर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्टंक, देयर लिव अ टीनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा प्राणी रहता था whose name was Roger Skunk, जिसका नेम रोजर स्कंक था, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से क्या आती थी, बहुत गंदी स्मेल आती थी। यस जो है, यस है जो ने कहा, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. He smelled so bad that other animals do not like to play with him. उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि दूसरे एनिमल्स उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। जो लुक एट हिम सोलेमनली, जो ने उसको बहुत सोलेमनली मैंने गंभीरता से देखा, he had not foreseen this. उसे इस बात का अनुमान भी नहीं था। Whenever he would go out to play, Jack continued with Jess. Jack ने अपनी कहानी उत्साह के साथ सुनाना जारी रखा कि जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता था, remembering certain humiliations of his own childhood. और जब वो कहानी सुना रहा था तो उन्हें अपने बचपन की कुछ humiliations, कुछ insults याद आ गई। All of the other animals, any animals would cry. जब भी फिर वो उसी कहानी को सुनाता है, अपनी बचपन की humiliations को याद करते हुए उसी कहानी को सुनाता है कि जो दूसरे अदर सीनी एनिमल्स थे वो चिल्लाने लगते थे, ओ हियर कम्स रोजर स्कंक, अरे अरे गंदा रोजर स्कंक आ रहा है, चलो 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 इसके साथ दूर चलते हैं, एंड दे वुड रन अवे, और वो उससे दूर भाग जाते थे, एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर वहां पर अकेला खड़ा रह जाता था। बेटा, हैव यू रिमेम्बर्ड एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, क्या तुम्हें कोई अपने बचपन की कोई घटना याद है, व्हेन यू वर ह्यूमिलेटेड फ्रॉम योर फ्रेंड, जब तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के द्वारा ह्यूमिलेटेड किया गया हो, या आपने किसी को ह्यूमिलेट किया हो बचपन में, है बेटा ऐसी कोई इंसिडेंट, डू यू रिमेम्बर? चलिए मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है बेटा। जब पूरा ग्रुप खेल रहा है, पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप खेल रहा है, कोई नई बच्ची आ जाती है उसमें खेलने के लिए, तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं इसको नहीं खिलाएंगे, इसको नहीं खिलाएंगे हम चलिए यहाँ से, हम अगर ये हमारे खेल यहाँ पर खेलेगी तो हम दूर चले जाते, क्या ऐसा आपके साथ हुआ? यस मैम, होता है ना ऐसा, इसको नहीं खिलाएंगे, यस मैम, इससे अलग खेलेंगे, चलो इसको, आपकी सीट भी होती है, तीन बच्चे दो बच्चे बैठे हैं और तीसरी उस पर प्लेस स्पेस है बैठने का, कोई अदर गर्ल्स आपकी क्लास से आ जाती है, मैं यहाँ पर बैठ, अरे नहीं नहीं पहले से आप कह देंगे, अरे इसको नहीं बैठाएंगे, तू उधर हो जा, तू उधर, होता है ना ऐसा? यस मैम। तो अभी क्यों कह रहे थे कि हमने ह्यूमिलेट नहीं किया किसी को, तो बेटा ऐसा जनरली होता है, ऑर्डिनरी होता है। तो एंड दे वो, तो ऐसे ही जब रोजर स्कंक उनके पास खेलने के लिए जाता था तो वही यही चिल्लाने लगते थे, अरे रोजर स्कंक स्कंक, चलो 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 यहाँ से चलो, ये तो इसमें से बड़ी गंदी स्मेल आती है, एंड दे वुड रन, और वो वहां से भाग जाते थे, एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर अलोन, और रोजर स्कंक वहां पर अकेला खड़ा रह जाता था, एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वर फॉल फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से दो छोटे छोटे मोती से यानी आंसू नीचे गिरने लगते थे, The corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as it traced with the forefinger along the side of her nose the course of one of the Roger Skunk's tears. अब क्या होता है कि जैसे ही उसने उन tears के बारे में सोचा तो जो इससे बहुत ज्यादा परेशान सी हो गई, उसने अपना lower lip आगे को किया और उसने अपनी जो उंगली थी वो Roger के आंसू अपनी ऐसे अपनी नोज पर रखी जैसे कि वो रोजर के जो टीयर्स थे उनको कोई मार्क दिखा रही है, वो नोज ही सीधा आउट ही आज इन हाई एंड फेंटली रफ वॉइस, अब वो बहुत ही रफ वॉइस में बोली कि क्यों रोजर स्कंक रो रहा है, क्यों वो आउट के पास नहीं जाएगा क्या? सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर जैक फेल्ट द कवर स्टक एज हर लेफ्ट रिस्ट टेंसली, अब जो उसके बैग के पास उसके फादर जैक बैठे हुए थे, उन्होंने यह देखा कि जो जो है उसने अपनी जो चादर है उसको अच्छे से खींची कि वो फ्लैश विद दिस मोमेंट ही वो टेलिंग हर समथिंग टू समथिंग ही मस्ट नो, वो इस समय बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो अपनी बेटी जो को कुछ सही बता रहे थे, कुछ रियल बता रहे थे, कुछ ऐसा बता रहे थे जिसे कि उसकी बेटी को जानना चाहिए था, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इन्हें अब उन
वो चाहते थे कि इसमें वो कोई जल्दबाजी ना करें, बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्ट्रैप, लेकिन अभी उन्हें नीचे से एक चेयर के स्ट्रैपिंग करने की खींचने की आवाज आई एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर सेंस द लिविंग रूम वुड बर्न. और उन्होंने महसूस किया, उन्हें लगा कि उन्हें अपनी वाइफ क्लियर, हु इज क्लियर, क्लियर इज जैक्स वाइफ एंड जोल्स मदर, जो कि माँ क्लियर है, जो कि प्रेग्नेंट है, और वो क्या कर रही है, लिविंग रूम में वुडवर्क पर पेंटिंग करने का, पेंट करने का काम कर रही है. तो उन्हें लगा कि नहीं, मुझे अपनी वाइफ की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए. तो तभी उन्हें उसकी याद आ जाती है, वेल ही वर्क्ड अलोन वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री. अब वो अपनी कहानी को स्टार्ट फिर से बताते, पहले उन्हें जल्दी नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ की याद आ गई थी कि मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, तो वो चाहते थे कि जो जल्दी से सो जाए. तो उसी स्टोरी को वो कंटिन्यू करते हैं कि हाँ, इसके बाद ठीक है, जो रॉजर जो